सीधा गला ऐसा दबाया ना कि मतलब अगर थोड़ा टाइम और रुकता तो खत्म। उसकी माँ बाल पकड़ी थी और उसकी बेटी पीछे से मार रही थी। पहले दोनों भाई मेरे को मारे, मजबूत गला दबा दिया। मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे पेट पे मारे यासीन ने। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के राजीव गांधी मार्केट के पास सागर निवास चाल में रहने वाले दो परिवारों के बीच में पानी के मोटर को चालू बंद करने को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में ही मारपीट हो गई, जिसमें रफीक शेख इस्लाम और रफीकुल इस्लाम को मार लगी है। रफीक शेख के नाक से खून निकल रहा था तो वहीं रफीकुल इस्लाम के पेट में लात मारने की बात महिला रफीकुल इस्लाम ने बताई है। हालांकि पीड़ित परिवार इस घटना की शिकायत लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन गया, मगर वहां सिर्फ एनसी ली गई है। रफीक शेख ने बताया कि पानी के मोटर को उसकी मां बंद कर दी थी, जिसके बाद थोड़ी कहासुनी हुई, मगर बाद में आमिर यासीन कुब्बू और उनकी मां रुबीना और बेटी महक ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। इसके अलावा पहले भी आमिर यासीन कुब्बू इन लोगों से पहले भी कहासुनी हो चुकी है, मगर कल अचानक इन लोगों ने रफीक शेख इस्लाम और रफीकुल इस्लाम से मारपीट की। हालांकि हमने दूसरे पक्ष यानी आमिर के परिवार से जो कि मारपीट की है उनसे भी इस संदर्भ में जानकारी लेना चाहिए, मगर इन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। किस तरह से मारपीट हुई इसकी पूरी जानकारी रफीक शेख इस्लाम और रफीकुल इस्लाम ने दी है, सुनिए। क्या हुआ था आपके साथ और किसने मारपीट की है, पूरा मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफीकुल इस्लाम शेख है। ये बाजू वाले ने मारा इसलिए कि मोटर चालू करने के लिए, बस पानी के लिए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्या मोटर उनके घर पे नहीं है, आपके घर पे है? नाम महक है। महक ने बोली कि मोटर चालू है, तो मैं बोली कि बंद हो गया मैं मोटर, तो बोली कि तो बोलना चाहिए था ना, तो मैं बोली कि अभी बंद करी मोटर, तो वो बोली तेरे को नहीं बोल रही है तू, अम्मा क्यों बन रही है बीच में? मैं बोली तू तुझे भी नहीं बोल रही मैं, तो बोली कि दहलीज पे आई, बोली कि मैं कहीं की गाड़ी दे के चली गई। इतने में मैं उसके अम्मी से बोलने गई, उसकी अम्मी गाली देने लगे, गाली देने के बाद हाथापाई होने लगी। तो किससे मारपीट किससे हो? उसकी माँ बाल पकड़ी थी और उसकी बेटी पीछे से मार रही थी। उसके भाई लोग तीनों थे मारे, उसके भाई ने तीनों पेट में मारे। क्या नाम उनके भाई लोग? इधर मारे यासीन कब्बू और अम्मू। क्योंकि वो लोग भी आपके ऊपर हाथ उठाए थे? हाँ। किसने हाथ उठाया? ये यासीन ने मेरे पेट पे मारा, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे पेट पे मारे यासीन ने और मेरे लड़के को भी मारे। और कैसे हुआ था ये पूरा? मेरा नाम रफीक शेख है। मैं जब खाना खाने के लिए आया दुकान पे से इधर पे, तो देखा मेरी माँ के साथ है ना मारम पीटी हो रही, और ये लगातार एक महीने से ऐसे ही हो रहा है। एक बार भी फिलहाल हुआ था लड़ाई, तो वो टाइम पे हम लोग सोचे बाजू वाले छोड़ो जाने दो मार दे देंगे, और इस बार हुआ तो माँ और बेटी में मतलब मेरी माँ से उनकी माँ से झगड़ा हो रहा था, तो उनकी बेटी आके पहले भी मारी थी खुद आके फैल, और अब भी तो मारम पीटी इतना चोटी खींच के दोनों माँ बेटी मार रहे थे। इसके भाई लोग आए और बोलते मारो 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 तीनों भाई, और मैं गया छुड़ाने के लिए, छुड़ाया तो उसका भाई बोलता है इसको मतलब गाली दिया मेरी माँ को, बोलते इसको ना संभाल, बोले इसको ना चुप करा, इसको संभाल इसको बोले। तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है, तो डायरेक्ट मेरा गला दबा दिया और मुझे सीधा मारने लगे, गाली दिया सीधा बोलता है हाँ, और डायरेक्ट और नाक पे सीधा मेरे को मारने लगे। पहले दोनों भाई मेरे को मारे मजबूत गला दबा के, मारे रहे, फिर उसका भाई पीछे से आया लिया, फिर मेरे को मारा, मेरे को ये पूरा खून से लथपथ है, इतना मारा कि मेरा पूरा खून अभी भी ब्लड वगैरह बह रहा है, और टी शर्ट पूरा फाड़ दिया, ऐसा फाड़ा ना पूरा पीठ पे पूरा निशान हो गया है मेरे, इतनी बहन नाम से मारा गया। उसका नाम अम्मू है, कब्बू है और यासीन है। कब्बू आकर सीढ़ी पे मेरे को पहले सीढ़ी, उसने मेरे को सीढ़ी पे सीधा गला ऐसा दबाया ना कि मतलब अगर थोड़ा टाइम और रुकता तो खत्म। तो आप लोगों का इसके पहले भी कभी? पहले भी ऐसे हुआ है, लोग एक्चुअली अपना डेयरिंग बनाना चाहते हैं। पुलिस में कम्प्लेन की है हमने, तो पुलिस वाले ने बोला है कि हमने उनको बोले वार्निंग दिए, अब अगर करेंगे तो हम आके आप बोले। क्या FIR किए? क्या किए? FIR किए उन लोगों ने, LC दिया गया मुझे।
मतलब मारम पीटी हुई है, लेकिन उन लोग बोलते बोले खाली धमकी दी गई है बस। इसमें लिखा है कि मारम पीटी नहीं हुई, सिर्फ धमकी मिली, लेकिन मारा गया, इधर खून निकल रहा है मेरे। और यहाँ पे ऐसा हुआ है मेरे साथ, हादसा है पूरा, उनसे लतपत है, और लोग को लग रहा है कि खाली हमको डराया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।